वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है मकर के क्यू कार्ड्स के ऊपर रजे, जैसे कि सितंबर टू दिसंबर वाले क्यू कार्ड्स हैं। बाकी क्यू कार्ड्स के सैम्पल आंसर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पर। आज हम क्यू कार्ड करेंगे डिस्क्राइब आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी यू डिड एट स्कूल, व्हाट इट वॉज, व्हाट यू डिड फॉर दिस एक्टिविटी, हु यू डिड इट एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस एक्टिविटी। जैसे कि रजे, ये 8 बैंड सैम्पल आंसर है जो मैंने प्रिपेयर किया। हेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी विच आई स्टिल रिमेंबर टूडे। यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ एक आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी के बारे में जो मेरे को आज स्टिल, मतलब कि आज भी मेरे को याद है। इन माई हाई स्कूल देयर वॉज अ कॉम्पिटिशन वेयर यू कैन चूज ओरिगेमी और फोटोग्राफ कॉम्पिटिशन। जैसे कि रजे, मेरे हाई स्कूल में एक कॉम्पिटिशन था जहाँ हम दोनों में से एक चीज़ चूज कर सकते थे, ओरिगेमी या फोटोग्राफ कॉम्पिटिशन। आई डू नॉट नीड टू से मच बिकॉज ओरिगेमी इज़ ऑलरेडी सो पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। जैसे कि रजे, मैंने आगे बोला है कि मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ओरिगेमी ऑलरेडी ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में। इट इज़ द आर्ट ऑफ पेपर फोल्डिंग इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एनिमल, बट आई फाउंड ओरिगेमी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। जैसे कि रजे, ये आर्ट होता है पेपर फोल्ड करना, पेपर फोल्ड कर उसकी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना देना, जो कोई एनिमल की शेप बना देना उस पेपर से, तो बट मेरे को ओरिगेमी, मतलब कि पेपर फोल्डिंग, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है। बिकॉज टू डू दिस यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल एंड पेशेंट टू मेक अ ब्यूटिफुल पेपर फिगर। जैसे कि रजी, ये बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा, आप में पेशेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ब्यूटिफुल एनिमल शेप बनाने के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। आई रियली गेट कन्फ्यूज, सो आई टुक पार्ट इन फोटोग्राफ कॉम्पिटिशन। जैसे कि रजे, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था और मैंने फोटोग्राफ कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया। द मेजर रीज़न फॉर टेकिंग पार्ट इन फोटोग्राफ कॉम्पिटिशन वॉज दैट द ट्रेडिशंस रिप्रजेंट इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ आवर कल्चर। जैसे कि रजे, यहाँ मैंने लिखा है कि जो मेरा मेजर कारण था फोटोग्राफ कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने का, वो था कि जो ट्रेडिशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कल्चर में। जैसे कि रजे, दे हेल्प फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन ऑफ आवर फैमिली एंड आवर सोसाइटी, सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट द कल्चर। जैसे कि रजे, मैंने आगे लिखा है, वो स्ट्रक्चर और फाउंडेशन फॉर्म करता है हमारी फैमिली और सोसाइटी का, तो इसलिए मैं और ज़्यादा जानना चाहता था अपने कल्चर के बारे में। आगे मैंने लिखा है, वेल टू बी फ्रैंक आई कांट रिकॉल द एग्जैक्ट डेट व्हेन आई अटेंडेड द क्राफ्ट एक्टिविटी। जैसे कि आगे मैंने लिखा है कि मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है जब मैंने क्राफ्ट एक्टिविटी अटेंड की थी। द एक्टिविटी एक्चुअली वॉज लाइक अ प्रोजेक्ट एमिंग टू हेल्प द स्टूडेंट टू गेट फैमिलियर विद फोटोग्राफ एंड बी मोर कॉन्शियस अबाउट प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल कल्चर। जैसे कि रजे, आगे मैंने लिखा है, जो एक्टिविटी है वो एक प्रोजेक्ट जैसी थी और स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही थी ताकि स्टूडेंट मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिले ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में। मेन मोटिव उस प्रोजेक्ट का ये था। एक्चुअली द थीम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ वेयर आवर ट्रेडिशन इज़। जो हमारे प्रोजेक्ट का थीम था वो था, उसका नाम था वेयर अवर ट्रेडिशन इज, हमारा ट्रेडिशन कहाँ जा रहा है। विच मीन्स दैट ऑल द पार्टिसिपेंट हैव टू टेक अ सीरीज ऑफ द फोटोज इन रिलेटेड टू अवर ट्रेडिशन और कल्चर। जैसे कि रजे, जितने बच्चों ने पार्ट लिया था उस चीज़ में, उन सबको सीरीज, मतलब कि उन सबको बहुत सारी फ़ोटोज़ चाहिए थी जो हमारे कल्चर या ट्रेडिशन के साथ रिलेटेड हों, उसके साथ जुड़ी हुई हों। सम ऑफ अवर क्लासमेट हु वर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफ एंड माई टीचर टोल्ड मी टू फॉर्म अ टीम फॉर द प्रोजेक्ट। जैसे कि रजे, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड थे और मेरी टीचर ने बोला कि आप एक टीम बनाओ प्रोजेक्ट के लिए। सम ऑफ अवर टीम मेंबर्स आर रियली, जैसे कि रजे, आगे मैंने लिखा है, जो हमारे टीम मेंबर्स थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे और जो प्रोफेशन इन फोटोग्राफ, जैसे कि रजे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और प्रोफेशनल थे, और जो कुछ बाकी थे वो प्रोफेशनलाइज थे, जैसे कि ट्रेडिशन स्टफ में और हिस्ट्री में। आफ्टर वी रजिस्टर्ड फॉर द कॉम्पिटिशन वी वर रियली एक्साइटेड, जैसे कि सो नेचुरली वी डिड अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन। जैसे कि रजे, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और खुश थे, तो हमने बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन की। पूरी टीम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई थी, जहाँ फर्स्ट टीम रिस्पॉन्सिबल थी कि वो नेट पर सर्च करेंगे, और सेकेंड टीम डिज़ाइन की गई थी ताकि वो फ्रेम
और डिज़ाइन फ्रेम को डिज़ाइन कर सकें और एल्बम को भी डिज़ाइन कर सकें। और जो थर्ड टीम थी उसमें मैं था और मैं पिक्चर्स ले रहा था। माई टीम वेंट टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन माई होम टाउन, जैसे कि हमारी टीम है बहुत जगह गई थी और मेरे होम टाउन में भी गई थी और वहाँ जाकर बहुत सारी फ़ोटोज ली गई थी, जैसे कि पेपर कटिंग की, एम्ब्रॉयडरी की। वी वर्क रियली हार्ड फॉर इट आफ्टर स्कूल, जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया। स्कूल के बाद जो हमें टाइम मिलता था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, क्योंकि हमें सिर्फ 2 वीक्स दिए गए थे आई गेस। एंड फॉर 1 or 2 days वी इवन बर्न मिडनाइट ऑयल टुगेदर इन माई होम, जैसे कि रजे एक दो दिन के लिए हमें मिडनाइट ऑयल, मतलब कि रात को भी काम करना पड़ा मेरे घर पे। बट व्हेन वी फिनिश द एल्बम वी अचीव अ ग्रेट सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जैसे कि रजे जब हमने पूरी एल्बम कंप्लीट कर ली तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। बाय डूइंग ऑल दिस आई लर्न सो मैनी थिंग्स, मैंने बहुत चीज़ें सीखी। मोर इम्पॉर्टेंटली थ्रू दिस आर्ट एक्टिविटी वी लर्न मोर अबाउट अवर ट्रेडिशन, लाइक द आर्ट हेल्प अस टू एक्सप्रेस अवर वैल्यूज एंड बिल्ड ब्रिज बिटवीन कल्चर एंड ब्रिंग अस टूगेदरनेस रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड रिलीजन, जैसे कि रजे उससे मेरे को ये सब सीखने को मिला। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे को काफ़ी चीज़ें पता चली कि आर्ट हमें हेल्प करता है कि हम अपनी वैल्यूज एक्सप्रेस कर पाएँ, और जो ब्रिज है वो गैप कवर करता है कल्चर्स में, जैसे कि रजे रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन एंड एज। जैसे कि रजे ऐसे मैंने क्यू कार्ड फ्रेम किया है। आई होप रजे आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।